मौत की मॉक ड्रिल। आगरा मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए जाना जाता है, पर अब पूरी दुनिया में आगरा नरसंहार के लिए भी जाना जाएगा। ये है किसी का भी नहीं साथ सबके साथ विश्वासघात। 26-27 अप्रैल 2021 को 22 लोगों की ऑक्सीजन रोक कर उनकी हत्या कर दी जाती है और हमें जून 2021 में पता चलता है नरसंहार से बड़ा अपराध है नरसंहार को छिपाना। मॉक ड्रिल के नाम पर 5 मिनट तक मरीजों की ऑक्सीजन रोक कर उन्हें मार दिया गया और कोई न्यूज नहीं, कोई शोर नहीं। सोचिए, अप्रैल में 5 राज्यों के चुनाव प्रचार चल रहे थे, अगर उस समय ये बात खुल जाती तो बंगाल में 77 सीट के बदले शायद 7 सीट भी नहीं मिलती और शायद असम में बीजेपी चुनाव हार जाती। चुनाव के लिए 22 लाशों को खाया गया। पारस हॉस्पिटल के मालिक का एक इंटरव्यू चल रहा था। मालिक कहता है कि योगी जी तो हमारे भी सीएम है, हम पूरी सहायता करेंगे। एंकर पूछता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो क्या करेंगे। हॉस्पिटल का मालिक कहता है शायद गिरफ्तारी की नौबत ना आए। जो बिल्कुल ही डेड लाइन पे एक ट्रायल मार दो, फिर मॉक ड्रिल कर देते हैं, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दो से मर गए। ये है अपराधियों का विश्वास। आज तक पारस हॉस्पिटल का मालिक शायद गिरफ्तार नहीं हुआ है, उस पर हत्या नरसंहार का केस भी शायद दर्ज नहीं हुआ है। आगरा का सांसद कह रहा है कि किसी एक हॉस्पिटल की घटना मुझे चुनाव नहीं हरा सकती। सच बोला, जितनी ज्यादा मौत उतने ज्यादा वोट। इस वक्त पोलराइजेशन की जरूरत है, हत्यारों के खिलाफ संपूर्ण ध्रुवीकरण चाहिए। गोदी मीडिया भी हत्यारा है। उत्तर प्रदेश के सीएम स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं है, सबको केवल जाति धर्म दिखता है। एक छोटा सा सवाल, पारस हॉस्पिटल के मालिक ने बीजेपी को कितना चंदा दिया है बताएं। उत्तर प्रदेश के सीएम जेपी नड्डा विजय माल्या से पारस हॉस्पिटल के मालिक तक कहानी एक है।